Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि आज एक बार फिर आगरा मसीह मंडली पेज पर ऑनलाइन परमेश्वर की आराधना कर सकूं. उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं. आइए दुआ करें. धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके उस महान प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर, जो आपने पूरी दुनिया के सभी मनुष्यों के लिए प्रभु जी आपने जो कलवरी क्रूस पर कुर्बानी दी प्रभु जी, वहां से जो लहू बहाया प्रभु जी, जिससे कि सभी लोगों के पाप धुल सके, सबका उद्धार हो सके प्रभु जी, आपके इस महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस आज संध्या वेला में आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु जी ऑनलाइन आपकी आराधना कर सके. प्रभु जी हमारे गीतों का गाया जाना, वचन को पढ़ना प्रभु जी, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो पिता. हम जो कुछ भी गीत गाएं, जो भी वचन बोलें प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हो प्रभु जी. हे पिता, हमारे मुंह को, हमारे सब चीज को प्रभु, पूरे शरीर को आप अपने कंट्रोल में लें पिता. हमारे द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्यारे परमेश्वर. और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनुपम भैया के लिए, सबनम दीदी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, उन सबको आशीष दें पिता. जो लोग इस समय देखें प्रभु जी, बाद में देखें, वो इस वचन पर चलने वाले भी हो सके प्यारे परमेश्वर, केवल सुनने वाले न हो प्यारे प्रभु. हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, अजीत भैया, प्रेज द लॉर्ड, क्या बात है. जय हो, जय हो, यीशु की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो. आइए एक गीत को गाते हैं. गीत को गा करके फिर आगे वचन में चलेंगे. मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला. जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे. जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे. आदि अनंत अप्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला. मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला. पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी. पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी. महिमा अपनी आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया. मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला. प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया.
प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर रक्त बहाया, क्रूस पे अपनी जान को देकर, क्रूस पे अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला ईशु तू है निराला, ईशु तू है निराला। सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में सबसे निराला है। उसने अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु उसी समय हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपनी कुर्बानी दे करके हमको धर्मी बनाया, हमको अपना धर्मी बना दिया और हमारा उद्धार किया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में चलते हैं। आज एक ही गीत गाएंगे, ज्यादा टाइम हो जाता है तो हम वचन ठीक से पूरा, वचन पे पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि वचन पे ही चलेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं सर सामर्थी परमेश्वर पिता, आपने हमको ये शक्ति दी, ताकत दी प्रभु जी, कि आपकी महिमा में प्रभु जी हम एक गीत को गा पाए प्रभु जी। आपको हमने जो गीत गाया प्रभु जी वो आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे परमेश्वर, इससे आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, आप हमारे साथ हो प्रभु जी, हमारी अगुवाई करें प्यारे पिता, हमको इस समय पूरे अपने कंट्रोल में ले प्यारे प्रभु जी। हे पिता, जो आप चाहते हो वही हमारे मुंह से निकले प्यारे प्रभु जी। हमारे प्रभु जी इस वचन के सुनने वाले को प्रभु जी आप बहुत आशीष दें, होने दे पिता कि मैं और अन्य लोग भी जो इस वचन को अभी सुने या बाद में सुने, इस वचन पर चलने वाले हों प्रभु जी, इस वचन को मानने वाले हों प्रभु जी। हमारी इस विनती को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज ये जो वचन है ये सभोपदेशक, ये जो ज्ञानी सुलेमान था, सुलेमान राजा सुलेमान, ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, है ना। उसने सभोपदेशक में उसके तीसरे अध्याय में क्या कहा है कि एक्चुअली ये परमेश्वर का ही वचन है जो राजा सुलेमान के द्वारा ये लिखा जा रहा है। सभोपदेशक 3:1-2, पहला और दूसरा पद। हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का, प्रत्येक काम का, हर चीज का एक समय निर्धारित किया गया है। जय मसीह की अनुपम भैया, जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। क्या बात है, हमारे ये अनुपम भैया, सबलम दीदी, पूरा परिवार सब प्रभु की महिमा के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, इसलिए प्रभु इनको बहुत आशीष भी दिया है और दे भी रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या कह रहे थे कि हर काम का एक समय है, हर बात का एक समय निश्चित है। सृष्टि रचने से पहले ही परमेश्वर ने ये समय निर्धारित कर दिया था कि 8:08 पर ये विजय कुमार द्विवेदी 9 सितंबर 2022 को आगरा मसीही मंडली ऑनलाइन पेज पर आज प्रभु की महिमा करेंगे,
ये समय पहले से ही निर्धारित था। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका एक समय निर्धारित होता है। हाँ, तो दूसरे पद में लिखा है जन्म का समय और मरने का भी समय है। तो आगे इसमें 8 पद में दिया हुआ है बहुत सी बातें, सब चीज का समय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आलोक भैया प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम समय केवल इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जन्म का समय। हमारा जन्म का समय निर्धारित है, कब किसको जन्म लेना है वो निर्धारित है, और मरने का भी समय एक निर्धारित है। प्रभु कहते हैं निकोदिमस से कि नए जन्म का भी एक समय है, बॉर्न अगेन होने का भी एक समय है। जन्म का समय, जैसे जन्म का समय निर्धारित है, बर्थडे, लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, और अच्छा है, मनाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए। तो लेकिन नए जन्म का कौन सा समय है, नया जन्म, उसके बारे में क्या विचार है आपका? क्योंकि अगर नया जन्म नहीं हुआ है, अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, पापों से अपनी प्रायश्चित नहीं किया है, पापों से क्षमा नहीं मिली है, तो अनंत काल की मृत्यु निश्चित है। और अगर नया जन्म पा लिया है तो हम अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे, और अगर नया जन्म प्राप्त नहीं किया है तो हम अनंत काल की मृत्यु में चले जाएंगे। तो नया जन्म का समय कब है? नए जन्म का भी एक समय होना चाहिए, और वो कब है नया जन्म का समय? देखिए, आइए देखते हैं बाइबल से नए जन्म का समय कब है। दूसरा कुरंथियों उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरंथियों 6 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। तो नए जन्म का दिन कब है? अभी है, आज ही उद्धार का दिन है। अब आज ही नहीं बल्कि अभी इसी समय उद्धार का दिन है, आज ही नए जन्म का दिन है। बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के समय है, 2 प्रकार का दिन है, आज का दिन और कल का दिन। आज के दिन के लिए, आज का दिन उद्धार का दिन है, अभी वह उद्धार का दिन है, अभी आज का दिन उद्धार का दिन है। और कल का जो दिन होता है वो बाइबल के अनुसार न्याय का दिन होता है। फिर मौका नहीं मिलेगा, जब न्याय का दिन आएगा तब मौका नहीं मिलेगा हमको प्रभु को ग्रहण करने का, तब तो न्याय का दिन है। आज प्रभु हमको मौका दे रहा है कि हम प्रभु को ग्रहण कर लें, अपने पापों से प्रायश्चित करें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि कल का दिन जो होता है वो न्याय का दिन होता है। देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 23 पद में, मैंने अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल का होगा। जो कल का दिन होगा वो अंतर करने का दिन होगा, वो न्याय करने का दिन होगा। इसी निर्गमन के 9 अध्याय के
नौवें अध्याय के पांचवें पद में लिखा है, फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो कल का दिन है वो उद्धार का दिन है। प्रभु कहता है निर्गमन में ही 10:4 में, यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। आज नहीं, आज तो उद्धार का दिन है ना, कल न्याय का दिन है, कल मुसीबतें आ जाएंगी। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। कल न्याय का दिन होता है, कल उद्धार का दिन होता है। लेकिन चेतावनी के रूप में हम देखते हैं कि वो जो फिरौन राजा था वो परमेश्वर की प्रजा को जाने नहीं दे रहा था। फिरौन राजा परमेश्वर की प्रजा को जाने नहीं दे रहा था, तो परमेश्वर उसके ऊपर तमाम एक न एक मुसीबतें भेजता था। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक बार मेढक भेज दिया। अब उसके फिरौन राजा के पूरे सब जगह मेढक ही मेढक भर गए, उसके बेडरूम में, उसके बेड में मेढक, है ना, जो पानी का जो टैंक था वहां मेढक, सब जगह मेढक ही मेढक भर गए। अब वो क्या करे, तो उसने क्या काम किया कि बुलाया, उसने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा कि यहोवा से विनती करो कि वो हमारे लोगों को, ये मेढक को हटा दे और मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, और अपने परमेश्वर से विनती करो कि ये सब मेढक जो है तो चले जाए। तो देखते हैं ये निर्गमन 8:9 और निर्गमन 8, ये घटना 9 और 10 पद में हम देखते हैं। तो फिरौन क्या कहता है 8:9 और 10 में, तो मूसा बड़ा खुश हुआ, तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए मुझे आदेश दे कि मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के लिए मैं कब परमेश्वर से विनती करूं कि परमेश्वर तुम्हारे तुम्हारे घर से मेढक को दूर करके वो नील नदी में भेज दे। अब 10 पद में देखिए फिरौन क्या कहता है, उसकी जगह अगर हम और आप होते, अगर हमारे और आपके घर में मेढक ही मेढक सब जगह हो जाते, मतलब खाने के लिए जा रहे हैं वहां चारों तरफ मेढक ही मेढक, कैसा जीवन उसका, कल्पना करें कैसा जीवन उसका बेकार सा हो गया होगा ना, जहां भी देख रहा है किचन में सब जगह मेढक ही मेढक। तो हम अगर आप उसकी जगह होते, तो अगर मूसा कहता कि मैं कब प्रार्थना करूं, कब विनती करूं परमेश्वर से कि वो मेढक भेज दे, तो हम और आप कहते कि भैया अभी इसी समय प्रार्थना करो, हम ये बहुत परेशान हो गए हैं, ना तो खा पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह मेढक ही मेढक हो गए हैं, है ना। तो एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हालेलुया। तो ये फिरौन कहता है राजा 10 पद में, उसने कहा कल, ये कह रहा है कल करना, कल विनती करना अपने परमेश्वर से कि ये मेढक हटा दे। है कितना बड़ा ये मूर्ख आदमी है, मूर्खाधिराज, महामूर्ख, कह रहा है कल करना, आज नहीं। अरे भैया आज उद्धार का दिन है, कल तो न्याय का दिन हो जाएगा, आज ही उद्धार का दिन है, आज बच गए तो बच गए। आज अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया तब तो बच गए हम, अनंत काल की
मृत्यु में जाने से, लेकिन अगर आज हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो कल तो फिर तो न्याय का दिन हो जाएगा, कल तो बहुत देर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर हमारे और आपके और पूरे संसार के को अनंत जीवन देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए जब वो अपनी कुर्बानी दे रहे थे, तो उनके अगल बगल जो डाकू था, वो डाकू, एक डाकू बोला, वो जान गया, वो समझ गया कि ये जो प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जो ये जो व्यक्ति है जो कलवरी क्रूस पर अपना उसको जब जो ये सजा दी जा रही है मृत्यु की, उसने कोई पाप नहीं किया और ये अभी ये मर जाएगा, फिर ये गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन ये मुर्दों में से जी उठेगा। ये सब बातें जब प्रभु उस डाकू ने जान लिया और जब प्रभु यीशु मसीह से जब ये कहते हुए सुना कि जो लोग उसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जो लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, जो लोग उसका मजाक कर रहे थे, है ना, जो लोग उसके हाथों में कीले ठोके थे, जो लोगों ने उसको कोड़े मारे थे, उसके सर पे कांटों का जो मुकुट पहना दिया था और उसको बिल्कुल नंगा करके कलवरी क्रूस पर लटका दिया था, वो कलवरी क्रूस पर ही भी वो प्रभु से, परमेश्वर से ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तब ये सब देख करके, ये सब सुन करके वो डाकू कहता है प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि हाँ ठीक है जब मैं आऊंगा तब या कल करूंगा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस डाकू से, आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा, कल नहीं, आज ही तू मेरे साथ, क्योंकि आज ही उद्धार का दिन है। अभी जैसे हमने पढ़ा दूसरे कुरंथियों के 6 अध्याय के उसके दूसरे पद में कि आज ही उद्धार का दिन है, आज ही जो है तो प्रभु को ग्रहण करने का दिन है, है ना। जैसे यीशु मसीह भी, प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से कहते हैं आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। तो परमेश्वर ने हमको जो ये जो समय दिया है, जीवन दिया है, ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है, ये समय बहुत ही बहुमूल्य समय है, इस समय को हमको गवाना नहीं चाहिए, ये अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो, और ये जो समय मिला है इसको हम व्यर्थ बातों में बिता देते हैं, व्यर्थ बातों में बिता देते हैं, बल्कि जबकि हमको इस समय में परमेश्वर का काम करना चाहिए, है ना। देखिए इफिसियों, हालेलुया, इफिसियों 5:16 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए हमको समय को बहुमूल्य समझना है, अवसर को बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुमूल्य नहीं समझते हैं, है ना, हम आलतू फालतू बातों में अपना समय बिता देते हैं। लोग कहते हैं अरे चलो ठीक है, जब बुढ़ा जाएंगे तब प्रभु को ग्रहण कर लेंगे, तब बपतिस्मा ले लेंगे। अरे तुम्हें मालूम है तुम्हारा कब समय पूरा हो जाएगा, समय को बहुमूल्य समझो, और जो समय है उस समय में हमको केवल एक ही काम करना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी धर्म का काम करें, चींटी को आटा खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, कोई भी धर्म का काम करें, भिखारी को, भूखे को भोजन दे दें, कोई भी धर्म का काम करें, या पाप का काम करें, कोई भी काम कर रहे हो, ये काम नहीं है। ये काम क्या करना है हमको, हमको प्रभु का काम करना है। और वो प्रभु का काम क्या है, आइए देखते हैं यूहन्ना 6:29 में, यूहन्ना 6
29 में 6:29 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। केवल यही एक काम है बस, और कोई काम नहीं। पर लेकिन हम पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं, बस ये काम नहीं करते हैं। केवल परमेश्वर का केवल एक काम है, वो है कि हम जिसे परमेश्वर ने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को, उस पर हम विश्वास करें। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का एक ही कार्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और कोई काम हम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करना ही पाप है। पाप क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करना, वही पाप है, और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करना ही पाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हमको जो समय दिया है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर उस समय में, उस समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुमूल्य है। ये जो समय दिया है ना, ये परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने ये समय बना करके हमको दिया है, ऐसे नहीं मिल गया है। आइए देख ही लेते हैं उत्पत्ति 1:14 में, उत्पत्ति 1:1 और उसके 14वें पद में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, वर्षों का कारण बन जाए वो। इससे पहले समय दिन ये था ही नहीं, तो परमेश्वर ने ये समय बनाया है, परमेश्वर ने ये दिन बनाया है। देखिए, जो परमेश्वर है ना, वो तो अनंत है, उसका मतलब न आदि है न ही अंत है। तो परमेश्वर ने अनंत समय में, जो अनंत काल का जो भविष्य काल है, भविष्य काल से समय हमको दिया, ये वर्तमान काल है, और इसी तुरंत अभी ये भूतकाल में ये बीत जाएगा, भूतकाल में ये बीत जाएगा। ठीक है, लगभग 8 बजे हमने ये शुरू किया और ये समय हो गया 8:30 बज रहा है, ठीक है, लगभग। तो ये अब भूतकाल में बीत गया वो समय। तो जो भी समय परमेश्वर ने हमको दिया है, ये समय बड़ा बहुमूल्य समय है। इस दिए हुए समय का हम सदुपयोग करें, इस समय दिए हुए समय का हम सदुपयोग करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है, और इस समय में दुआ करते हैं। आइए, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, गुड हेल्थ के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, आप ये आरती छत्री को प्रभु जी आप अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दें। अच्छा स्वास्थ्य इसलिए चाहिए प्रभु जी कि जिससे हम आपके नाम की, परमेश्वर की धन्यवाद दे सकें, आपके नाम को हम महिमा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हे पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो लूका 16:25 में एक धनवान का और एक लाजर का वर्णन है। तो अब वो जो धनवान था वो चला गया नरक में, और वो जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में है।
तो यहाँ 25 में लिखा है, अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तो यहाँ पर ये जीवन जो लिखा हुआ है, जीवन का मतलब है ये लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में, अपने पूरे जीवन के समय में क्या किया इस धनवान ने, खाता बढ़िया खाने पीने में ही अपना समय इसने व्यतीत किया, और प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी इसने समय नहीं दिया। परमेश्वर ने ही ये जन्म हमें दिया, जन्म और परमेश्वर ने ये जो जीवन दिया है जीवन, लेकिन इस जीवन में क्या किया, क्या करते हैं, खाने पीने में ही लगे रहते हैं, है ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हम कार्य नहीं करते हैं, बस अन्य सारे काम करेंगे, परमेश्वर का ही हम काम नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपने जीवन का एक एक समय का हमको हिसाब देना है, हमें अपने जीवन के एक एक क्षण का हमको हिसाब देना है, इसलिए हम समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, हम कहते हैं टाइम तो ये समय तो अनमोल है, बहुमूल्य है इसका, है ना। तो हम परमेश्वर ने जो हमको समय दिया है, उस समय में हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु का कार्य करें। आज ही वो समय है कि हम प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करके हम उद्धार पाए। जैसे जन्म का समय है, वैसे ही मरने का भी समय है। तो पता नहीं हम कब जन्म है, कब मरे, कब मरण है। तो जब जीवित हैं, अभी मौका है, आज ही वो दिन है, अभी वो समय है, अभी प्रभु को ग्रहण करें, अभी अपना उद्धार निश्चित दें, और प्रभु से कहें, हे प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे लिए प्रभु जी कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए, प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रभु जी कलवरी क्रूस पर मृत्यु सही, वहां से प्रभु जी आपने हमारे लिए लहू बहाया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसा करके हम विश्वास करें, और जिस क्षण हम सच्चे दिल से प्रयासचित करते हुए हम विश्वास करेंगे, हम अपने पापों के प्रति मर जाते हैं और हम नया जन्म पा जाते हैं। तो अब जो मसीह में है वो अब नई सृष्टि है, उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि हो जाते हैं, उनमें दंड की आज्ञा नहीं हो जाती, नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि नई सृष्टि बन गए हैं तो हम पुराना जो स्वभाव था बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल छूट गया, नहीं होता है। कभी कभी वो स्वभाव धीरे धीरे बदलता है, ऐसा नहीं एक ही दिन में वो नहीं बदल जाता है, है ना। एक ही दिन में पापमय स्वभाव नहीं बदल जाता है। हाँ, पापी से हम पुण्य की तरफ चले जाते हैं, जब पुरानी सृष्टि से हम नई सृष्टि तो बन जाते हैं। तो नई सृष्टि बन गए हैं, अब हम वापस पुरानी सृष्टि नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन पुरानी सृष्टि के कुछ काम जरूर हमारे जीवन में, नई सृष्टि में जब हम बन गए हैं, नया जीवन पा लिया है, तो कुछ काम जो पुरानी सृष्टि में उस समय हम करते थे, वो कुछ कार्य जरूर हमारी नई सृष्टि में दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उद्धार को खो दिया है, क्योंकि उद्धार ये जो है ये तो प्रभु के अनुग्रह से है। प्रभु का जो ये ग्रेस है, अनुग्रह है, ये बदले में हमसे कुछ चाहता नहीं है, बदले में हमसे कुछ मांगता नहीं है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम वापस ले लेंगे, जो हमने उद्धार दिया है मैं वापस ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उद्धार फ्री में दिया गया है, फ्री गिफ्ट है गॉड की। इस गिफ्ट के बदले परमेश्वर हमसे बदले में कुछ नहीं मांग रहा है। हाँ, हमसे वो अपेक्षा जरूर करता है कि हम नए जीवन सी चाल चलें, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलें। तो दिन प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह में
बढ़ते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लाते चले जाएं। और ये काम एक दिन नहीं होगा, उद्धार मिल गया है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज वो समय है, आज वो दिन है कि हम प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान करके प्रभु को समय अपना जीवन दें और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, है ना। और आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता, आपने होने दिया प्रभु जी कि हमको ये समझ दी कि आज ही अभी ही वो समय है प्रभु जी उद्धार का, फिर हमको प्रभु जी मौका नहीं मिलेगा। जो लोग प्रभु जी आपको ग्रहण नहीं किए हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि वो लोग आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और अपना नया जीवन प्राप्त करें, अनंत काल का जीवन प्राप्त करें प्रभु जी। होने दे पिता कि लोग प्रभु जी अनंत काल के नर्क में जाने से बच सके प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी अब हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें पिता प्रभु जी। विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं आरती छत्री के लिए प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं प्रभु जी, अस्पताल में हैं, भर्ती हैं, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी जिनका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है प्रभु जी, और उनके ऑपरेशन को आप सफल बनाएं प्यारे पिता। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग बुजुर्ग हैं प्रभु जी, उन जिनके घुटनों टखनों में तकलीफ है, दर्द है प्यारे परमेश्वर, आप उनके घुटनों टखनों में प्रभु जी नया जीवन दें प्रभु जी, नया बल दें, नई ताकत दें प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो किसी प्रकार की उनका एक्सीडेंट हो गया प्यारे परमेश्वर, जो एक्सीडेंट में प्रभु जी जो घायल हो गए हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया और उनका उनका फ्रैक्चर भी हो गया प्रभु जी, उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया है प्रभु जी, आप उनकी मदद करें प्यारे परमेश्वर, उनके दर्द को कम करें प्यारे परमेश्वर। होने दे पिता कि उनका जो फ्रैक्चर हुआ है प्रभु जी कूल्हे में, उसके फ्रैक्चर को प्रभु जी आप जल्दी से जुड़ने वाले हो सकें प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्यारे परमेश्वर। हे पिता विशेष रूप से और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो परिवार में प्रभु जी जो जवान बच्चे हैं प्रभु जी, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं प्रभु जी, अपने माँ बाप की इच्छाओं के खिलाफ प्रभु जी अन्य जातियों में शादी करने का मन बना रहे हैं प्रभु जी, आप उनके मनों से बात करें प्यारे परमेश्वर कि वो अपने मसीही समुदाय में ही रह करके अपनी शादी करें प्रभु जी। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु जी उनको ऐसी बुद्धि दें पिता कि वो अन्य जातियों में शादी ब्याह ना करें प्रभु जी, क्योंकि इससे प्रभु जी आपके नाम को महिमा नहीं मिलती है प्यारे परमेश्वर। हे पिता हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने प्रभु जी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे अगर प्रभु ने चाहा तो, है ना। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे अगले हफ्ते के लिए, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।